हेलो गाइस, आज हो गया डे 3 इन शिलोंग। हम लोग आज प्लान कर रहे थे कि हम लोग आज डबल डेकर रूट ब्रिज जाएंगे, लिविंग रूट ब्रिज, लेकिन आज नहीं हो पाएगा बिकॉज हम लोग थोड़ा प्लान चेंज कर लिए, क्योंकि आज हम लोग को गुवाहाटी भी वापस जाना है। और ये जो लिविंग रूट ब्रिज है, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, वो कुछ 3500 स्टेप्स हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, जो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और सुष्मिता नहीं जा पाएगी क्योंकि उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये प्लान को ड्रॉप कर दिया। हम लोग जा रहे हैं अभी वाई सदोंग। वाई सदोंग एक वाटरफॉल है चेरापुंजी से कुछ ही किलोमीटर्स, आई थिंक अराउंड 15-20 किलोमीटर्स दूरी पे है। ये एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल है जो एकदम जंगलों के बीच में है, मल्टी स्टोरी मल्टी लेवल वाटरफॉल है, तो वो हम लोग आज जाने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी चेरापुंजी का एक चक्कर तो मार के आ गए, सुबह सुबह हम लोग निकले थे, निकल के कुछ राउंड मार के कहीं पे हम लोग ड्रोन शॉट्स लेके आ गए। अभी हम लोग वापस स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम इज़ नाउ 8:00 इन द मॉर्निंग और हम लोग अभी जा रहे हैं वाई सदोंग। गलत रोड है, बैक 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 बैक। मल्टी लेवल कास्केडिंग वाटरफॉल, मतलब ऊपर से होके नीचे 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 आके नीचे गिरता है, ऐसा वाटरफॉल तो इंडिया में आई थिंक कहीं पे भी नहीं है। और ये भी वाटरफॉल ऐसा है कि मतलब बहुत कम लोगों को ही पता है और बहुत कम लोगों ही आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं है, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है और कोई स्पॉट भी नहीं है जहाँ पे आपको पार्किंग मिलता है या फिर कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया में ऐसा व्यूज़ है, और मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ और इवन मेरे को भी पता नहीं था कि मेघालय में ऐसा है। मैं बचपन से शिलोंग आ रहा हूँ, मेघालय आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद को भी पता नहीं था कि मेघालय में एक ऐसा स्पॉट है, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा वाटरफॉल है। और कुछ दिन पहले, कुछ ही महीना पहले मेरे को पता चला कि ये वाटरफॉल के बारे में, और ये मैं मिस नहीं कर सकता था। तो चलो अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं, हम लोग ट्रैक करके और भी नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेंगे और देखते हैं नीचे जाके क्या मिलता है। अभी तो जाके और भी रोड डेंजरस हो गया है। जा फाइनली हम लोग नीचे आ ही गया, और कुछ ही स्टेप्स है, दो चार स्टेप्स और है, और ये देखिए शानदार, अमेजिंग। और कोई नहीं है, सिर्फ हम तीन लोग ही है। और मतलब यहाँ का लोकेशन, यहाँ का जो रॉक फॉर्मेशन आप देखोगे तो मतलब हैरान हो जाओगे। मतलब ये देख सकते हो, ये कुछ एक वाटरफॉल हुआ करता था शायद एक समय, या फिर बारिश के समय पे ये
वाटरफॉल बन जाता है, भर जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल खाली है। एकदम लगता है कि टूम राइडर या फिर कोई भी इंग्लिश मूवी का जो सेट है वैसा ही दिखता है। पीछे जो झरना है, झरना का आवाज़ बहुत तेज है, तो पता नहीं आप मुझे कितना क्लियरली सुन पाओगे, लेकिन जब मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग ही है, सिर्फ हम तीन लोग ही है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो शायद मैंने कुछ जल्दी बोले रखा। कुछ ही मिनटों में यहाँ पे एकदम बच्चों से भर गया है, ये पिकनिक या कॉलेज का आउटिंग के लिए आया होगा, तो अभी ये जगह एकदम भर गया है लोगों से। कुल मिला के कम से कम 50-60 लोग तो होंगे यहाँ पे, अभी अचानक से 3 से 60 लोग हो गए अभी। ओह माय गॉड, फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग। ओह मेरा पैर। चलो बोल, जितना डिफिकल्ट नीचे उतरने में था उससे 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट ऊपर उठने में। हम लोग अभी तक मे बी 20% या 30% ही ऊपर चढ़ पाए और पूरा हवा निकल गया है, तो थोड़ा रेस्ट लेके फिर से निकलेंगे ऊपर। और इसी तरह मेरा एक और यादगार मेघालय का ट्रिप समाप्त होता है और साथ ही ये मेरा मेघालय का सीरीज़। मैं जब भी मेघालय में आता हूँ मुझे ये महसूस होता है कि कितना प्यारा और सुंदर ये जगह है, कितना यूनिक यहाँ के लैंडस्केप्स, वाटरफॉल्स, वैलीज, कैनियंस और फूल पौधे जंगल कितना यूनिक और प्यारा है। आप कोई भी सीज़न में आ जाओ यहाँ पे और हर बार आपको अलग ही ब्यूटी मिलेगा। यहाँ का क्लाइमेट और मौसम कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सिंग है और शायद इसीलिए मेघालय मेरा सबसे फेवरेट जगह में से एक है। सो चलो चलते हैं मेघालय, फिर मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम।